महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस महासचिव शिवानी वडेट्टीवार के मार्गदर्शन में चंद्रपुर के ग्रामीण भाग में माझी गांव माझी शाखा की शुरुआत की गई। चंद्रपुर ग्रामीण के किस क्षेत्र में माझी गांव माझी शाखा की शुरुआत की गई, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव शिवानी वडेट्टीवार की अध्यक्षता में और महाराष्ट्र प्रदेश सचिव इंजीनियर रमेश शेख के नेतृत्व में माझी गांव माझी शाखा के अंतर्गत चिंचाला और खुटाला ग्राम पंचायत में एक साथ तीन शाखाओं का उद्घाटन किया गया। माझी गांव माझी शाखा इस कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र में पहली केवल युवतियों की शाखा चिंचाला ग्राम पंचायत चंद्रपुर में हुई, जिसका उद्घाटन शिवानीताई वडेट्टीवार के मार्गदर्शन में किया गया। अन्य युवाओं की शाखा चिंचाला एवं खुटाला ग्राम पंचायत से की गई। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में युवक कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश सचिव कुणाल चारे और शहर जिलाध्यक्ष राजेश अडूर उपस्थित थे। शिवानीताई वडेट्टीवार के प्रथम आगमन से चिंचाला ग्रामवासियों में अति उत्साह का वातावरण हो गया था। गांव की महिलाओं की भजन मंडली ने शिवानीताई वडेट्टीवार का स्वागत किया। शिवानीताई वडेट्टीवार ने ग्रामवासियों को मार्गदर्शन करते हुए युवाओं और युवतियों को माझी गांव माझी शाखा द्वारा युवा कांग्रेस में जुड़ने की बधाई देते हुए राजनीति में ज्यादा से ज्यादा युवा ग्रामीण से और शहर से अपना योगदान देने की बात कही। कार्यक्रम को सफल करने में आतिफ रजा, विद्या खुजे, आचल लड़के, निशिगंधा चापले, दीप्ति चौहान, सिद्धि भावने, रानी मड़ावी, मयूर ढोटे, कैलाश खुजे, चेतन लड़के, अक्षय वारागड़े, ईश्वर एडे, योगेश यलमुले, निवृत्ति मिश्रा, फजिल्ला, जुबेर खान आदि का सहयोग रहा। फक्त आणि फक्त स्वतःचा कसं त्यांचं स्वार्थ पूर्ण होऊ शकेल, कसं बहुजनांना बढावलता येईल, अशा या सगळ्या गोष्टींना लक्षात घेऊन अशा शाखा उभारल्या जातात। पण ही माझी गाव माझी शाखा यूथ काँग्रेसच्या माध्यमातून, राहुलजींच्या माध्यमातून आम्ही हा कार्यक्रम यासाठी आणलेला आहे जेणेकरून गावागावातले युवक युवती जे आजची पिढी आहे, जे उद्याहून आपल्या घरच्या आईवडिलांचा सांभाळ करतील, त्यांना इतकं सक्षम करणे, त्यांच्यामधनं नेते काढणे, कारण की ते नेते बनतील तेव्हा कुठे जाऊन दुसरी पिढी तयार होते म्हणून आपल्याला दिसेल। असं नाही की पहिलीच पिढी काम करतच आहे करतच आहे आणि आजच्या पिढीला काही माहितीच नाही की कसं ग्रामपंचायत कशी चालते, कसं काय चालते, या सगळ्या गोष्टींचा त्यांना सुद्धा अनुभव आला पाहिजे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे देशाला बदलवायचं आहे तर फक्त आणि फक्त तीन गोष्टींच्या माध्यमातून बदलता येते। एक आहे UPSC MPSCच्या माध्यमातून, काही अधिकारी बनतील मुलं तेव्हा काही बदल घडवू शकतील। दुसरं आहे जर लॉयर बनतील तर काही बदल घडवू शकतील संविधानाच्या माध्यमातून। आणि तिसरं आहे जर राजकारणात उतरतील तर काही बदल घडवू शकतील। आज तुम्ही विचार करा, जर हे जे चांगले युवक आणि युवती आहेत त्या चांगल्या विचारांनी त्यांनी खोललेली आहे शाखा, तर उद्या येऊन त्यांना जर रीतसर पद्धतीने ग्रामपंचायतचं आपल्या जिल्हा परिषदचं कुठलं पण जर त्यांना प्रतिनिधित्व करता कळायला मिळालं तर किती बदल घडू शकते आपल्या देशात। आजची युवा पिढी खूप मोठा बदल घडवू शकते आणि आज सगळ्यात जास्त पिढ्यामध्ये सुद्धा युवा पिढीच आहे। आपण बघतो आहे शूटिंग क्लब हर तरीके का इव्हेंट वो लेते हैं, हर तरीके का गेम वो खेलते हैं। आगे आने वाले दिनों में हमारे शिवानी ताई की ये इच्छा है कि आगे आने वाले दिनों में गुरुदत्त स्पोर्टिंग क्लब जो है महिलाओं की युवतियों की एक कबड्डी की स्पर्धा ले, तो मैं गुरुदत्त स्पोर्टिंग क्लब से ये आह्वान करूंगा, ये मेरा अनुरोध है उनसे कि जैसा भी हो आपकी मदद के लिए हम लोग हैं। एक महिलाओं के लिए एक अच्छा एक अरेंजमेंट करिए कबड्डी टूर्नामेंट का।